अगर किसी को COVID-19 के कोई भी लक्षण हो तो उसे क्या करना चाहिए? अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी सर्दी, खांसी, गले की खराश, सरदर्द, बुखार, बदन दर्द जैसी शिकायत है, या उन्हें बहुत थकान लग रही है, उल्टियां हो रही हो, पतले दस्त हो रहे हैं, या उनको किसी भी चीज में स्वाद का पता नहीं चल रहा, या किसी भी चीज में महक नहीं पता चल रही, तो ये COVID-19 के लक्षण हो सकते हैं। बुजुर्गों में कभी कभी ज्यादा नींद में रहना, भूख न लगना या बेहोशी जैसी हालत होना, ये COVID-19 के कारण हो सकता है। बच्चों में COVID-19 के कारण आंखों में लाली आना या त्वचा पर लाल निशान आना, ऐसी भी शिकायतें हो सकती है। कोई भी लक्षण हो तो आपको COVID-19 की जांच करवानी चाहिए। जब तक कोविड टेस्ट का परिणाम नहीं आता तब तक आप अपने आप को आइसोलेट रखें। पहली चीज तो जैसे ही आपको लगे कि आपको कोविड का कोई लक्षण है, अपने आप को बाकी लोगों से अलग करना, जिसको हम आइसोलेशन बोलते हैं। क्योंकि सबसे जरूरी चीज ये है कि आपसे बीमारी और लोगों को ना हो। अगर इसमें हम देरी करेंगे तो और लोगों को रोग हो जाएगा। आइसोलेशन करने के बाद पता करें कहां पास में टेस्ट हो सकता है, या तो आप सेंटर में जाएं या सेंटर से कोई आपके आपका सैंपल लेकर जाए। और जब आप वहां जाते हैं तो रास्ते में ख्याल रखें कि आपसे और लोगों को रोग ना हो। टेस्ट कराएं। टेस्ट का रिपोर्ट जब तक आता है उसमें कई बार कई घंटे लग जाते हैं। अपना अलग रहना, आइसोलेशन को कंटिन्यू करें। अलग कमरे में रहें, अगर साथ में शौचालय है तो और भी अच्छा है। और लोग जो आपको खाना देने आते हैं वो खाने को दरवाजे के पास छोड़ सकते हैं, आप उसको खा सकते हैं, मिलना जरूरी नहीं है। आजकल आसान हो गया है, हम लोग सेलफोन के रास्ते से बाकी लोगों से बात कर सकते हैं। परिवार में जो आपको चाहिए वो आपको दिया जा सकता है, मिलने की जरूरत नहीं है। अगर बुखार है उसके लिए आप दवाई ले सकते हैं, पैरासिटामोल एक आसान दवा है जो सब घर में होती है। और खांसी है, जुकाम है, उसके लिए सिंपल दवाइयां जो घरेलू उपचार है वो किए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर समय घर पर भी दोहरा मास्क पहने। इस प्रकार से आपसे किसी और को बीमारी लगने की संभावना कम हो जाएगी। पता करें कि घर के पास कोविड टेस्ट की सुविधा कहाँ उपलब्ध है, वहां टेस्ट कराने के लिए संपर्क करें। रिपोर्ट आने के बाद आगे सोचा जा सकता है। एक पल्स ऑक्सीमीटर अगर आपको मिल सके, अगर आप खरीद सकें तो बहुत अच्छी चीज है। हर 4 से 6 घंटे में उसकी वैल्यू देखें। अगर वो 94 से ऊपर है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर नीचे जाता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर नहीं भी खरीद सकते या नहीं मिल सकता है तो केवल देखें कि आप एक पूरा वाक्य बिना सांस रोके बोल सकते हैं कि नहीं। अगर आप बोल सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। एक ये बहुत आसान तरीका है, इसके लिए कुछ पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं। बहुत सी एक ही चीज याद रखें, 90 से 95% मरीज कोविड के बिना कुछ खास किए अच्छे हो जाते हैं। केवल 5 से 7% लोगों को डॉक्टर के पास जाने की या इलाज की जरूरत पड़ती है। अगर ये आप याद रखेंगे आपका आत्मविश्वास ऊपर रहेगा और कोई मुश्किल नहीं होगी।